कर रहे थे उसमें मैंने बताया कि फिल्म्स की तैयारी कैसे करनी है। तो फिल्म्स के सबसे पहले आप सिलेबस को समझ लें कि फिल्म्स में जो है दो पेपर होता है यूपीएससी के लिए। पहला पेपर जो है वो जीएस का है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। और सेकेंड पेपर जो है उसमें 80 क्वेश्चंस होता है, 200 मार्क्स के होते हैं, लेकिन सेकेंड पेपर जो है क्वालिफाइंग करना होता है, 33% ही चाहिए होता है। अब चलते हैं जीएस की। और दूसरी मैं बात बताना चाहता हूँ कि मैं यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज दोनों को एक साथ लेकर चलूँगा, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे साथ जुड़े हैं वो स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो हम सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में बताना चाहेंगे। तो मैं आज जो बताने जा रहा हूँ उसमें खास तौर से ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स में करना क्या क्या है। प्रीलिम्स के जितने भी सेगमेंट, 7-8 सेगमेंट होते हैं, उसमें सबकी तैयारी करना जरूरी नहीं होता है। सपोज डैट कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम से नहीं है और आपकी साइंस अच्छी नहीं है, तो आप साइंस को बिल्कुल आप छोड़ के चल सकते हैं। अगर हम बीपीएससी की बात करें तो आपको 107-8-10 तक ही आपका कट ऑफ जाता है और उसके 150 क्वेश्चन होते हैं। यूपीएससी में बात करें तो यूपीएससी में 50-55 क्वेश्चन ही आपको सही करना होता है और फिल्म्स आप क्लियर करते हैं। तो हम बात करेंगे कि अभी मार्केट में या इंटरनेट पे इतनी सारे मटेरियल्स हैं, उसको कैसे चूज करें कि कौन सा मटेरियल आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि हिस्ट्री में अगर आपको पढ़ना है तो हिस्ट्री में 6 से लेकर 12 क्लास तक की एनसीईआरटी बुक्स, बिपिन चंद्रा की फेवर मूवमेंट की बुक, ये दो बुक के अलावे आपकी सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक, ये तीन मैं टाइप के बुक्स बता रहा हूँ। ये तीन बुक से ही आपकी हिस्ट्री पूरा कवर हो जाता है। कहने को 10 से ज़्यादा बुक्स मार्केट में है, बिल्कुल आप सबको नहीं पढ़ेंगे, जो मैंने बताया उसी को पढ़ेंगे, आप पीटी क्लियर कर पाएंगे। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में दो बुक जो है मैं बताऊँगा, एक तो लक्ष्मीकांत की बुक जो है वो जरूरी है, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद ही आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। और उसके बाद देखेंगे कि पीएम बख्शी की बुक जो है वो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको आप पढ़िए। ये दो बुक्स, ये दो किताबें ही आपके लिए पॉलिटी के लिए सफिशियंट है। इसके अलावा ना बुक्स ले, ना कोई नोट्स ले, कुछ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में 6 से लेकर 12 क्लास तक की एनसीईआरटी बुक्स और ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स है, बंसल की, मामोरिया की, बनवाल की, बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ना है। इसी से सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं, 5 times आपको इसको पढ़ना है। अगर हम बात करें आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए अगर आपको पढ़ना है तो शंकर आईएएस कोचिंग क्लासेस की जो बुक्स आती है उसी से सभी के सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी आप ना पढ़ें। उसी तरीके से आप इकोनॉमिक्स की बुक करें तो इकोनॉमिक्स में ही बहुत सारी बुक्स है, दत्त एंड सुंदरम, लाल एंड लाल, उसके बाद आरसी दत्त की बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन आप उसमें आप ध्यान रखें कि जो कुछ खास जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, आरबीआई, जो हमारी मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, बस 4-5 सेगमेंट से क्वेश्चन आती है। किताब इतनी मोटी मोटी 600-700 पेज की बुक्स होती है, तो आप रमेश सिंह की बुक उसमें पढ़िए। इसके अलावा कोई बुक्स नहीं पढ़नी है इकोनॉमिक्स के लिए। अब हम चलते हैं साइंस के लिए। तो साइंस के लिए टीएमएस, टाटा मैग्रे हेल्थ की एक बुक आती है, उसी को पढ़ना है, उसी से सभी के सभी क्वेश्चन आते हैं। 9th-10th की एनसीईआरटी बुक से ही वो ही आप पढ़ेंगे। इसके अलावा ना ऊपर की क्लास की ना नीचे की क्लास की आपको पढ़नी है साइंस के। तो ये मोटा मोटी आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आप फिल्म्स की तैयारी करेंगे और उसमें आप सक्सेस होंगे। एक बात और बताता हूँ कि हाँ, करेंट अफेयर्स के लिए अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो निश्चित रूप से जो है आप जनसत्ता न्यूज़पेपर आप जरूर देखिएगा, वहाँ से अच्छी मतलब आर्टिकल्स होते हैं। हिंदू, द हिंदू आप पढ़ेंगे आप अगर इंग्लिश मीडियम है। लेकिन एक बात और बता दूँ, कोई भी न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज, एडिटोरियल पेज और स्पोर्ट्स, ये तीन पेज ही आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इस तीन पेज को ही आप कटिंग करिए। बट अभी कोविड के समय में आपके पास कुछ भी हार्ड कॉपी मिलना मुश्किल होगा, नहीं मिल रहा होगा तो नेट से निकालिए, प्रिंट आउट करिए, वो भी नहीं हो रहा है तो क्रॉप करिए और एक लैपटॉप के डेस्कटॉप पे आप सेव करिए। लैपटॉप नहीं है, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में ही एक फोल्डर बनाइए, वहाँ सेव करते रहिए और पूरी की पूरी जानकारी जो एक साथ करिए। लेकिन जब न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं तो ये जरूर रखिए, आपको दो बात ध्यान रखना है, न्यूज़ में वो बातें जो भारत को प्रभावित करता हो या भारत द्वारा किए गए कार्य जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रभावित होता हो या इंटरनेशनल डिसीजन जो भारत को प्रभावित करता होगा, ये तीन टाइप के ही न्यूज़ पे आपको फोकस करना है और वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप न्यूज़ को भी देखते, न्यूज़ चैनल को देखते हुए ये तीन बात को ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन को कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको करंट की तैयारी कैसे करनी है। और इसके लिए अगर देखेंगे तो मैगजीन है सिविल सर्विस टाइम्स, प्रतियोगिता दर्पण,
ये दो अच्छी मैगजीन्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। सुमित जी बताइए। अब मैं नोट्स नोट्स की बात करूंगा। हाँ, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उसको जो है एक आप नोटबुक रखिए। मैं करता था कि नोटबुक रखता था और नोटबुक को अगर लिख लिख के अगर करेंगे टाइम किलिंग है। सीधे न्यूज़पेपर को कट करें और चिपका देते हैं तो हमारा एक मिनट में हो जाता है, पढ़ने में दो मिनट लगता है। लेकिन अगर हम लिखने के लिए बैठेंगे उसी न्यूज को तो 30 मिनट्स लगता है। यानी कि आप पूरा दिन, आधा दिन जो है केवल न्यूज को लिखने और पढ़ने में समय निकालेंगे, वो काम नहीं करना है। आप उसको फोल्डर में रखिए और वहां से केवल आप रीडिंग करिए और याद करिए, तो ही आपको जो है बेनिफिट हो सकता है। सो नोट्स नहीं बनाना है, इसमें आपको मैक्सिमम कटिंग पे जाना है। जहां भी आपको पढ़ना है, आप मोबाइल में, लैपटॉप में रखें या फिर आप हार्ड कॉपी के रूप में रखें। सुमित जी यस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी युवाओं को मैं बोलूँगा कि देखिए एनसीईआरटी की एक किताब है जिसको पूरा शुरू से अंत तक पढ़ना है, लेकिन बाकी कोई किताब नहीं है जिसको पूरा पूरा पढ़ना चाहिए। सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर मैं अगर लक्ष्मीकांत की बात करूँ तो लक्ष्मीकांत में लगभग 60 चैप्टर है, लेकिन उपयोगी कितना है? 15 से 16 चैप्टर। आप इमेजिन करिए, कुछ ने बताया नहीं होगा आपको। उसमें अगर पढ़ना हो तो आप पढ़िए फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट, कैट, पंचायती राज, खत्म। इसके अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आता, एक शेड्यूल। आप सोचिए मैंने आपका रास्ता कितना आसान कर दिया, जिसको पढ़ेंगे 3 महीना आपको पढ़ना है मात्र 20। इसी तरीके से सभी बुक्स में देखना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन आता है। लास्ट 8 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक को देखकर उसमें से आप निकालिए कि कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन आता है, और जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आता है सबसे पहले ए कैटेगरी में डालिए, उसके बाद कम क्वेश्चन बी कैटेगरी में, और बिल्कुल जो लिस्टेड है बिल्कुल कम आता है उसको सी कैटेगरी में डालिए। ए पहले पढ़िए, 3 बार पढ़िए, बी को कम पढ़िए, सी को बिल्कुल आप इग्नोर करके चल सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप पूरा का पूरा बुक्स को पढ़ने के बजाय सेलेक्टिव होइए। मैं तो आपको पॉलिटी का बता रहा हूँ, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, सभी जगह सेलेक्टिव होने का चांस है, तो आप उसके हिसाब से पढ़ाई करें। जी सुमित जी, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत जरूरी है। सुमित जी बहुत जरूरी बात बताए, ज्ञान होना और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के उसको कन्वर्ट करके सोल्व करना, ये बहुत बड़ा ये आर्ट का काम है। अब मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब आप सोल्व करना शुरू करते हैं तो जब हार्ड क्वेश्चन आता है तो वहीं से आपका माइंड जो है वो निगेटिव की तरफ जाता है, और आपका माइंड ये कहने लगता है चलो इस बार तो नहीं होगा, अगला बार देखेंगे। यानी आप 80% कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन हॉल में सरेंडर कर देते हैं उसी हिसाब से, इस बार तो लगता है नहीं होगा, अगला बार फाड़ देंगे। तो ये टेंडेंसी शुरू होती है फर्स्ट। दूसरा, जब भी हार्ड क्वेश्चन शुरू हो बिल्कुल आगे बढ़ते जाइए, जब इजी क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे हार्ड क्वेश्चन भी बन जाएगा। तीसरा, एलिमिनेशन पद्धति से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। एलिमिनेशन पद्धति, 4 आपके पास ऑप्शन होते हैं, बीपीएससी में 5 होता है। एलिमिनेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें से आप ऑप्शन को देखिए, अच्छा ये तो नहीं होगा, उसी से क्रॉस करना है, ये तो लग रहा है ये नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई बोलता है कि ये अकबर जो है कब किसी चीज़ को बनाया है, और वो पीरियड आपको पता है कि ये तो पीरियड लग रहा है एंशियंट पीरियड का है, या ये पीरियड तो मॉडर्न काल का है, तो वहीं से क्रॉस होगा। तो एलिमिनेशन से क्रॉस करते जाएंगे तो लास्ट में 2 बचेगा, 2 जब बचेगा तो आपके 50% सही होने के चांसेस बन जाएंगे, और फर्स्ट जो माइंड कहता है उसको टिक करिएगा, वही 100% सही होता है। जितना ज़्यादा दिमाग लगाइएगा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बनेंगे। बट कन्फ्यूजन तब होता है जब आप किसी बुक को एक ही बार रीड करिएगा, 5 बार रीड करिएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, एकदम सटीक आपका आंसर होता जाएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए घर पर प्रैक्टिस करना है। कितना देर में आप बबल करते हैं, क्योंकि बबल में किसी को 20 मिनट लगता है और किसी को 7 से 8 मिनट लगता है। आप सोचिए 12 मिनट का अंतर आता है,
तो बबल्स की भी ट्रेनिंग आपको घर पे कर लेनी है। और ये देखना है कि 2 घंटे का एग्जाम है तो मुझे कितना देर में फर्स्ट राउंड हमको कर लेना है 1 घंटे में, सेकेंड राउंड में हमको जाना है जो टफ क्वेश्चन था उसको जो गोल गोल करके हम जाएंगे और सेकेंड राउंड में जाएंगे और उसको हमको कर लेना है एटलीस्ट 25 मिनट्स में। उसके बाद कलर फट, कलर होने के बाद भी हमारे पास 10 मिनट टाइम बचता है जिसमें हम स्ट्रगल करेंगे कि कुछ क्वेश्चन और हम यहाँ से निकाल ले, और तब आपका जो है होने का चांस जो है बढ़ जाता है। खूब पढ़ाई करके जाएंगे और अगर वहाँ जाके बोल्ड होगा या घबरा गए तो फिर आप सही से आंसर नहीं कर पाएंगे और दूसरे से आप 4-5 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन पीछे रह जाएंगे और आपके साथ वाले जो कम पढ़ते हैं कम जानते हैं लेकिन वो उनको टेक्निक पता है वो सक्सेस हो जाएंगे। सुमित जी कट ऑफ को लेके मैं एक बात आप बता देता हूँ कि बहुत जरूरी है कि सभी को समझना इसलिए जरूरी है, जब क्वेश्चन हार्ड आता है तो लोग बोलते हैं बहुत क्वेश्चन हार्ड आ गया, लेकिन ये समझना जरूरी है वो सबके लिए हार्ड आया है। इजी आता है इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया सबके लिए इजी है, जब इजी है तो कट ऑफ ऊपर चढ़ेगा, हार्ड है तो कट ऑफ नीचे डाउन होगा, लेकिन जब हार्ड होता है तो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए क्योंकि जो जिसको स्ट्रगल करने की प्रवृत्ति है क्वेश्चन पे, अगर हार्ड आता है तो ज़्यादा सोल्व करता है, लेकिन जिसको स्ट्रगल करने की प्रवृत्ति नहीं है हार्ड आता है वहीं पे सोचता है कि अभी इस साल तो नहीं होने वाला अगले साल ये ट्राई कर लें। कट ऑफ को लेकर ये जरूर है कि 100+ हमेशा जो है वो मार्क्स रहता है, अगर आप 100+ करते हैं तो अच्छा है। दूसरी बात यह है कि अभी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत बढ़ गए हैं, इसके चलते जो है कट ऑफ ज़्यादा जाता सीट पे डिपेंड है, सीट अगर कम है तो कट ऑफ। देखिए क्वेश्चन जैसे अगर बीपीएससी जेपीएससी या यूपी वगैरह करते हैं तो 100 क्वेश्चन सबके सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, यूपीएससी में देखेंगे तो 80 क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, यूपीएससी में 80 से 85 मिनिमम अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आपका जो है इजिली 55 से 60 के बीच में सही हो जाता है निगेटिव करके, फिर आप सक्सेस हो जाते हैं फिल्म में, कोई दिक्कत नहीं आती है। सुमित जी अब मेंस की बात करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कि अपने हाथ का है, ये किसी के हाथ का नहीं है, मेरे अपने हाथ का है मेंस, अपने हाथ का इसीलिए है क्योंकि हम अपने राइटिंग स्किल्स पे ही हमारा डिपेंड है कि हमको क्या मिलने वाला है, खाना कैसा बनाएंगे, खाना को कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, गेस्ट को कितना अच्छा लगेगा उसी पे हमको मार्क्स मिलने वाला है, यानी पूरी तरह से हमारे हाथ का है। आंसर राइटिंग को बहुत अच्छे से लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एनसीईआरटी के लैंग्वेज को फॉलो करें फर्स्ट, दूसरा प्रतिदिन कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है आप करिए करते, आपकी राइटिंग स्किल ऑटोमेटिक अच्छी होती चली जाएगी। राइटिंग स्किल पे ही डिपेंड है कि मेंस में आपको कितना नंबर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मेंस में जो कॉपी चेक की जाती है पूरी पूरी लाइन नहीं पढ़ी जाती है, जो मैं मानता हूँ प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, जितनी भी सब हेडिंग के साथ आप आंसर लिखेंगे जितना क्लीन लिखेंगे जितना स्पष्ट लिखेंगे टू द पॉइंट लिखेंगे, नो इंट्रोडक्शन, बिल्कुल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी स्टूडेंट तो इंट्रोडक्शन दे ही रहे हैं, वो आपको सपोर्टिंग रहता है, सीधे टू द पॉइंट आप आंसर शुरू करें। और राइटिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है कहीं भी, दूसरी आपका ग्रामेटिकल इरर नहीं होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम है तो गलत नहीं होना चाहिए, हिंदी है तो गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हिंदी है लेकिन आप लिख कुछ रहे हैं बोलचाल की भाषा चलती नहीं है, तो लैंग्वेज सही होना चाहिए पहला। दूसरा है पहला क्वेश्चन जो है ना एकदम दमदार होना चाहिए क्योंकि ये पहला क्वेश्चन में अगर आपको 20 में से 16 नंबर दे दिया है तो अगला क्वेश्चन में 10 नहीं देगा, वो 16 के बाद 14 जा सकता है 13 जा सकता है, इसलिए पहला क्वेश्चन को इतना अच्छा करके रखिए कि बाद के क्वेश्चन अगर कम है या अगर आपने अच्छे से नहीं प्रेजेंट किया है तो भी उसमें नंबर मिलता जाएगा। और ये क्वेश्चन आप RTI से मंगवा के देख भी सकते हैं, ये मेरा देखा हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बुक का सिलेक्शन फिर से मैं बोलूँगा, जो फिल्म्स में आप पढ़े हैं उसे थोड़ा ही ज़्यादा पढ़ना है, जहाँ PT जो है अलग अलग मोती है, मेंस मोतियों का माला है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए जो बुक्स NCERT की वही पढ़नी है।
और इसमें जो है केवल एक चौथा पेपर जीएस का जुड़ता है वो है कॉम्प्रिहेंसिव एथिक्स आपको जुड़ता है, तो उसके लिए रेड्डी की बुक आती है। एथिक्स जो हम लोग जनरल व्यवहार में जानते हैं, जो हमें दिया जाता है हमको क्या करना चाहिए, एक अच्छा पेपर जोड़ा गया है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशल इशू, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसपे पंत की किताब है उससे पढ़े, तो ये सब वही सब चैप्टर है। एक आईएएस विजन आईएएस है, उसका भी आप देख सकते हैं, नोट्स अच्छा रहता है मेंस के लिए, उससे आप अपनी तैयारी करें। लेकिन पीटी की तैयारी 90% मेंस की तैयारी हो चुकी है, केवल आपकी राइटिंग स्किल होना बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग, आपके पास इन्फॉर्मेशन का बाढ़ होता है, हैज एंडेड, ब्रॉडकास्ट हैज एंडेड लिख रहा था, ठीक है, कंटिन्यू है सुमित जी? पूछिए राजा से कॉल करके, रुक भी गया, 16 सेकंड 16 मिनट पे रुका हुआ है।